आलम में है निराला, आला है इसका मकाम, मरकज तहफ्फुज़े इस्लाम। नंबर 33, व इन्नल कुरान कलामुल्लाह ताला, कुरान अल्लाह ताला का कलाम है। मिन्हु बदा बिला कैफियतिन कौला, बगैर कैफियत के कौल की शक्ल में अल्लाह ताला से जाहिर हुआ। व अंजलहु अला रसूलिही वहया, और वही की सूरत में अल्लाह ने इस कुरान को अपने नबी पर नाजिल फरमाया। व सद्दकहुल मुमिनून अला ज़ालिका हक्का, और मोमिनीन ने सच्चा और हक समझ कर इसकी तस्दीक की है। व एकनु अन्नहु कलामुल्लाह ताला बिल हकीका, और मोमिनीन ने पूरा इस बात का यकीन किया है कि यह हकीकतन अल्लाह का कलाम है। लेस बि मखलूक इनका कलामिल बरिया, जिस तरह अल्लाह मखलूक नहीं, अल्लाह का कलाम भी मखलूक नहीं। जिस तरह मखलूक खुद मखलूक है, तो मखलूक का कलाम भी मखलूक है। फमन समयहु फजायमा अन्नहु कलामुल बशरी फ़कत कफर, जिस शख्स ने कलाम को सुना और ये समझा कि इंसान का कलाम है, तो वो काफिर हो गया। वक़द ज़म्महुल्लाहु ताला वआबहु, अल्लाह ने ऐसे शख्स की मुज़म्मत और बुराई बयान की है। वअवादहु बिसक़र, और इसको जहन्नम की वईद और जहन्नम के अज़ाब की वईद सुनाई है। हैसु क़ाल तआला सउस्लीही सक़र, हम ऐसे बंदे को सक़र जहन्नम के अंदर दाखिल करेंगे। फलम्मा औअदल्लाहु बिसक़र लिमन क़ाल इन हाज़ा इल्ला क़ौलुल बशर, जब अल्लाह ताला ने ऐसे बंदे के लिए जहन्नम की वईद सुनाई जो ये कहे कि ये बंदे का कौल है। अलिमना व ऐकन्ना अन्नहु क़ौलु खालिकिल बशर, तो हमें पूरा यकीन हो गया कि ये बशर नहीं, खालिके बशर की बात है। वल्ला युशबि क़ौलल बशर, और बशर और बंदे के कौल के बिल्कुल मुशाबे भी नहीं। ये जो फरमाया व इन्नल कुरआन कलामुल्लाह ताला मिन्हु बदा बिला कैफियतिन, ये अच्छी तरह समझ लें, बिला कैफियतिन, अल्लाह ताला की ज़ात और अल्लाह की सिफात ये कैफियात से पाक है। अल्लाह ताला की ज़ात और अल्लाह की सिफात कैफियात से पाक है। अल्लाह की ज़ात भी बग़ैर कैफियत के है और अल्लाह की सिफात भी बग़ैर कैफियत की है। वजह, अल्लामा बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब अल अस्माए व सिफा बाब माजुकरा फिस सूरा इसके तहत लिखा है, فَإِنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْنَا وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَعْلَمَهُ أَنَّ رَبَّنَا لَيْسَ بِذُو سُورَةٍ وَلَا هَيْئَةٍ فَإِنَّ السُّورَةَ تَقْتَضِي الْكَيْفِيَّةَ وَهِيَ عَنْهُ وَعَنْ صِفَاتِهِ مَنْفِيَّةٌ, कि हमारे ज़िम्मे है यकीदा रखें कि अल्लाह ताला सूरत और हैयत से पाक है, क्योंकि सूरत कैफियत को मांगती है और अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की सिफात कैफियात से पाक हैं, कैफियात से पाक है। इसलिए अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें, अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की सिफात कैफियात से पाक है। कुरान अल्लाह का कलाम है जो कदीम है, अल्लाह की सिफत है और बग़ैर किसी कैफियत के है। हम इसी पर ईमान लाते हैं, समझ आ जाए तो तब भी ईमान लाते हैं, ना समझ आए तो तब भी ईमान लाते हैं। कैफियत से अल्लाह ताला की ज़ात पाक है। इस पर आम तौर पर एक एतराज़ होता है कि हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला से किसी ने पूछा, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह मुस्तवी अलल अर्श है, तो इसका मतलब क्या है? हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया, अल इस्तवा मालूम बल कैफ मजहूल वल ईमान बिही वाजिब वस्सवाल अन्हु बिदअत। इस्तवा का माना मालूम है, कैफियत इसकी मजहूल है, इस पर ईमान लाना वाजिब है और मजीद इसके बारे में सवाल करना बिदअत है। तो इमाम मालिक तो फरमा रहे हैं बल कैफ मजहूल, कि इस्तवा की कैफियत मजहूल है। आप कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात और सिफात में कैफियत नहीं होती, तो इमाम मालिक तो कैफियत बता रहे हैं ना, कैफियत मालूम हो या मजहूल हो, कैफियत हुई ना। मजहूल का माना ये नहीं कि कैफियत नहीं है, मजहूल का माना उसकी कैफियत है लेकिन हमें मालूम नहीं है, कैफियत के तो कायल हो गए ना। उसका जवाब ज़ेहन नशीन फरमा लें कि हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से ये मकूला सही सनद के साथ साबित नहीं है।
हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से आपके शगिर्द ने पूछा, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, कि मुस्तवी अलल अर्श इसका मतलब क्या है? हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी हैं, कमा वसफ़ नफ्सहु, जैसे अल्लाह ने उसको बयान किया है, ला युकालु कैफा व कैफ अनहु मरफून, ये ना कहोगे कैफा, कैफियत अल्लाह की ज़ात से मरफू है, वहाँ कैफियत है ही नहीं। असल इमाम साहब से ये जुमला साबित है, तो जो साबित नहीं था वह गैर मुकल्लिदी ने इतना चलाया कि हम भी उसी जुमले को बयान करते हैं कि इमाम मालिक ने ये फरमाया है, हालांकि इमाम मालिक से तो ये साबित नहीं है। तो साबित है नहीं तो फिर वो चलाते हैं और हम उसको आगे फैला देते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह समझा करें। मुझसे एक आदमी ने कहा कि आप तो कहते हैं ये अल्लाह ताला की ज़ात हर जगह पर है, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल इस्तिवाउ मालूमुन वल कैफ मजहूलुन वल ईमान बिही वाजिबुन वस्सवालुन बिदअतुन। इमाम मालिक तो ये फरमा रहे हैं कि पता है इस्तिवा क्या है, यानी अल्लाह ताला मुस्तवी अलल अर्श है। वो अपने मौके पर अकीदे पर बात पर फिर समझाते हैं। मैंने उसको कहा आप अहले सुन्नत हैं या अहले बिदत हैं? मुझे कहते अहले सुन्नत। मैंने कहा इमाम मालिक क्या फरमाते हैं, ज़रा दोबारा जुमला सुनाओ। वस्सवालु अनहु बिदअतुन, तो बिदत ही है। मुझे कहता नहीं, तो मैंने कहा पूछा क्यों है जी आप जवाब दें। मैंने कहा जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन पहले आप वजाहत करें आप कौन हैं। अगर आलो सुन्नत हैं तो खामोश रहें बस, अगर आले बिदत हैं तो फिर पूछें। जब आप आले बिदत ने खुद को आले सुन्नत कहते हैं, फिर तो पूछता क्यों है? तो इमाम मालिक ये थोड़ी सी बात मानता है, थोड़ी सी छोड़ देता है, बस चुप हो गए। मैं नहीं फिर जवाब देता, इतना रगड़ा लगाता हूँ कि दोबारा फिर इतनी जल्दी सवाल करने की हिम्मत नहीं होती। हाँ समझ आइए, इसको अच्छी तरह कोशिश किया करें साइल के सवाल के अंदर से बात लें और वहीं उसको रोक दें, आइंदा चलने आगे निकलने की उसको जरूरत ही ना हो। मैंने बताया था लाहौर एक जब मैंने बयान किया, तो बयान था हुज्जियत हदीस पर, उसके बाद एक बंदा बैठा तो मुझे कहने लगा कि हदीस तो हुज्जत नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तक्तुबु अन्नी गैर अल कुरआन, हजूर पाक ने हदीस को लिखने से मना फरमाया। तो जब हुज्जत होती तो हजूर फरमाते ना लिखो, हुज्जत नहीं तभी तो लिखने से मना फरमा दिया। मैंने कहा ये जो आपने पढ़ा ला तक्तुबु अन्नी गैर अल कुरआन, ये किस सूरत की आयत है? मैंने मुझे नहीं पता ये किस सूरत की आयत है। मुझे कहते तो हदीस है। मैंने कहा हदीस हुज्जत नहीं, क्यों? इसलिए कि हदीस में आया। भाई जब हदीस हुज्जत नहीं तो उसके खिलाफ फिर कुरान पेश करो ना। हदीस हुज्जत नहीं इसलिए कि हदीस के अंदर आया, तो हदीस को हुज्जत नहीं मानना आप दलील में हदीस को पेश कर रहे हैं। हदीस को हुज्जत नहीं मानना फिर आप कुरान पेश करें, ये कोई जवाब है? मैंने कहा तेरी मर्जी का जवाब दो तो फिर जवाब होगा। हम लोग इस पर बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं कि उसको मान नहीं रहा, ना माने। जो बंदा आपका अकीदा नहीं मानता तो आपकी दलील नहीं मानेगा तो क्या इश्काल है? मुझे आप बताओ, अगर किसी बंदे को पता हो कि नमाजें पांच फर्ज हैं और दलील का पता ना हो, मुसलमान होगा या नहीं? बोलो ना, मुसलमान है। एक बंदा मानता है अल्लाह एक है हमेशा से है, दलील क्या है मुझे नहीं आती, मुसलमान है या नहीं? एक बंदे का अकीदा है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, दलील क्या है मुझे नहीं आती, फिर भी मुसलमान है। एक बंदा आपका अकीदा नहीं मान रहा तो आपको उलझन नहीं है, और आपकी दलील नहीं मान रहा तो आपको उलझन पैदा हो रही है ना, ताज्जुब की बात जी। वो इसको नहीं मानते, मैंने कहा आपका अकीदा मानते हैं, कहा जी नहीं, तो मैंने कहा दलील नहीं मानते फिर क्या क्यामत होगी? ऐसी दलील पेश करे कि जिसको वो मान ले। मैंने कहा पहले ऐसा अकीदा पेश करे कि जिसको वो मान ले, फिर उसके बाद ऐसी दलील पेश करे कि जिसको वो मान ले। आपको अजीब फिक्र लगी हुई है, अल्लाह हमें बात समझने की तौफीक अता फरमाए। नंबर 34, वमन वसफ अल्लाह ताला बिमान में मानिल बशर फकत कफर, दो शख्स अल्लाह के लिए ऐसी सिफत बयान करे जो सिफत बशर की हो ये काफिर है। फमन अफसर हाजा यातबर, जो बसीरत की आंख से इसको देख लेगा और समझ जाएगा, वो इबरत हासिल करेगा यानी बच जाएगा, ऐसी बातें नहीं करेगा। वहाँ मिसल कौल कुफार इन जजर,
और ऐसा शख्स काफिरों वाली बात कहने से बास आ जाएगा। वालिम अन्नल्लाह ताला बिसिफात लैसा कल बशर, और यकीन करेगा कि अल्लाह की सिफात बशर की सिफात की तरह नहीं है। आला है इसका मकाम, मरकज तहफ्फुज़े इस्लाम, मरकज तहफ्फुज़े इस्लाम।